आज की तारीख में मोबाइल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शायद आप इससे दूर ना रह पाए, लेकिन आपको कुछ उपाय जरूर हम बता सकते हैं। अगर आप इन्हें करें तो शायद इस खतरे से आप कुछ हद तक तो जरूर बच सकते हैं। मोबाइल पर बात करें ना करें, इससे निकला खतरा हर किसी के चारों ओर मौजूद है, लेकिन आपकी जरा सी सावधानी इस खतरे को कम जरूर कर सकती है। जानकारों के मुताबिक मोबाइल फोन पर ज्यादा देर बात न करें, वायरलेस हेडफोन का इस्तेमाल करें, बात करते वक्त मोबाइल को 20 सेंटीमीटर तक दूर रखने से खतरे की संभावना 98% तक कम हो जाती है। ड्राइव करते वक्त या फिर चलते हुए बात न करें, क्योंकि चलते हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए ज्यादा रेडिएशन की जरूरत होती है, यानी डोंट वॉक व्हेन यू टॉक। और आखिर में अच्छे ब्रांड का फोन इस्तेमाल करें, सस्ते मोबाइल में रेडिएशन की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए, आज हमारे बच्चे चार चार पांच पांच घंटे रात को लिहाफ में लेट के अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर एक्सपोज टू रेडिएशन। दूसरी बात जो बताई जाती है मोबाइल फोन के मेंटेनेंस में, कि अच्छी क्वालिटी का हो और इसकी बैटरी पूरी चार्ज हो जब हम इससे बात करें, तो ये दो सावधानियां बहुत जरूरी हैं। मोबाइल रेडिएशन पर आ रही रिपोर्ट के बाद अब कई मोबाइल कंपनियां रेडिएशन फ्री मोबाइल लॉन्च करने का दावा कर रही हैं। साथ ही मोबाइल कंपनियों को अपने मोबाइल रेडिएशन स्टैंडर्ड की जानकारी प्रिंट करने की मांग भी उठने लगी है। हैंडसेट मैन्युफैक्चरर इसको मेंशन करे, चाहे वो उसको यूजर मैनुअल पे करें, हो सकता है कर रहे हो, जहां तक एल्केटलाइज है हम हर जगह मेंशन कर रहे हैं, हम यूजर मैनुअल पे मेंशन कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो हम उसको कहीं और भी मेंशन कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि कस्टमर को ये सब चीजें ध्यान में रख के हैंडसेट को खरीदे। तो जनाब, मुनाफे के चक्कर में कंपनियां भले ही अपने मोबाइल रेडिएशन के एक्सपोजर का खुलासा करें ना करें, सेहत आपकी है, और अगर आपको कैंसर बांट रहे रेडिएशन से बचना है तो सबसे पहले खुद रखना होगा ख्याल। योगेश के साथ हरदीप लश्करी, दिल्ली आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जो लौटेंगे आप देखते रहिए आज तक।